आज हम शॉपिंग बैग बनाएंगे जो रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। ये देखो, ये मैंने मेरा मेन फैब्रिक है, ये मेरा रबर शीट है जो मैंने इसके अंदर रखकर इसकी स्टिचिंग कर ली हूँ, और ये हमारी लाइनिंग वाली पीस है। तो लाइनिंग वाली पीस अटैच करने के साथ सबसे पहले हम स्ट्रैप लगा देंगे। ये देखो, ये स्ट्रैप मैंने रेडी कर ली हूँ 4 इंच लेकर इस तरह से। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 17 इंच इस तरह से। यहाँ पे हम स्ट्रैप के लिए निशान लगाएंगे। ये देखो, यहाँ से हम 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी हम इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान हो गया है। ये देखिए, स्टेप यहाँ पे इसे रखकर इसके स्टिचिंग करेंगे, और दूसरा इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। जब ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये रबर शीट के जो हमारे मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने यहाँ से स्टिचिंग कर लिए हैं, और यहाँ से भी हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इस तरह से इसे यहाँ पे करेंगे, इससे हमारा ये रबर शीट कवर हो जाएगा। आप जो भी इस्तेमाल करें उस तरह से, जो भी अगर आइस बैग इस्तेमाल करें तो वो भी इस तरह से कवर हो जाएगा। अब यहाँ ये स्टेप इस तरह से ऊपर करेंगे, यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी एक टॉप स्टिच करेंगे, और ये जो जगह है इसे लेकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग भी कर देंगे। ये देखो, ये इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है और एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग कर ली है। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे, और यहाँ पर भी इस तरह से 12 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद ये जो हमारा ये पार्ट है इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखें, इसे बीच में रखने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये इस तरह से हमने स्टिचिंग किए हैं। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से बीच में इस तरह से आएगा। यहाँ पे देखो स्टिचिंग कर लिए हैं, और यहाँ पे भी उसी तरह से स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे हम सीधा करेंगे। ये देखो, ये इस तरह से हमारा इस तरह का ये डिज़ाइन बन के आया है। ये देखें, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी फिनिशिंग से ये देखो बना है। ये देखो इस तरह से, तो आप इसे ज़रूर बनाएं, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया।